रामसर सम्मेलन गठन 1971 ईरान के रामसर शहर से होता है। विश्व बेटलैंड दिवस बताओगे? 2 फरवरी। बिहार का पहला रामसर साइट? भारत का पहला रामसर साइट? भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट? सुंदरबन का डेल्टा। बताओगे यमुना का दूसरा नाम क्या है? यमुना का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी। कैसे जानती है? सुन रहे थे ना, कालिंदी नाम है। मैं लाइव में बता रहा था इसको, 200 क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। और गंगा को किस नाम से पुकारते हैं बांग्लादेश में? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, और इंडिया में भागीरथी बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र को? जमुना। जमुना। दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में हुआ? छत्तीसगढ़ में। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़। आम्र वर्षा मुक्त किस राज्यों में होता? केरला में होता। बात नहीं कीजिए। आम्र वर्षा किससे होता है? SO2 और NO2 से क्या होता है? कृत्रिम वर्षा। सिल्वर ऑक्साइड से क्या होता है? मतदाता स्याही में क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट रहता है। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? राजेंद्र प्रथम है। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? राजेंद्र प्रथम है। नाम दफा टाइगर रिजर्व बताओगे? अरुणाचल प्रदेश। भीतर कनिका अभ्यारण? ओडिशा। भीतर कनिका ओडिशा में है। सिमलीपाल कहाँ में है? नंदन कानन सिमलीपाल ओडिशा में। किबुल लामजाओ कहाँ में है? मणिपुर। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर, जहाँ पे संगाई हिरण पाई जाती है। संगाई। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? मानस असम में है। मानस और काजीरंगा दोनों असम में है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ में हुआ? किस राज्य में? कोई हिमालय स्टेट होगा, इतना जान लो। उत्तराखंड। उत्तराखंड है। भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क? उत्तराखंड। लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी कहाँ में है? जब IAS आप लोग बनोगी तो आपका ट्रेनिंग कहाँ होगा? लवासना शॉर्ट बोलते हैं, मसूरी। जब IPS बनोगे ट्रेनिंग कहाँ होगा? उसका नाम जरा बताओ ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद।
पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। वाटरमैन ऑफ इंडिया? आरके सिन्हा। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह है। कर्क रेखा कितने राज से गुजरती है? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? कार्ल मार्क्स दिया है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स का देन है। भारत में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974। बताओगे? वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1992। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु? विश्व हाथी दिवस, विश्व युवा दिवस और विश्व विश्व खाद दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व कलाम साहब का जयंती। क्वेश्चन बी का आते क्यों बोलती है? अब इतना हार्ड पूछूंगा फिर कोई किसी जवाब नहीं निकलेगा। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास लिखा है। बताओगे शिशुपाल वध पुस्तक कौन लिखा? कोई हिंदी में महीना का नाम पे इतना जान लो। बताओ आप लोग। माघ। माघ। शिशुपाल वध पुस्तक कौन लिखा है? माघ लिखा है। अवध का फाउंडर बोलो। सुआदत खां। त्रावणकोर का फाउंडर? त्रावणकोर केरल में है। त्रावणकोर केरला में है। कुछ बोल रही है क्या? मार्टन वर्मा। बताओ सिख धर्म का स्थापना? धर्म वो है मतलब सिख राज का स्थापना, ठीक है? रंजीत सिंह है। भरतपुर का फाउंडर? चूड़ामन और राजस्थान का प्रवेश द्वार बताओ। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं। केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान के जिला में? भरतपुर जिला में। केवलादेव पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। मुगल भारत में भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश का नाम बताओ। रॉल्फ फिंच है। मुगल भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिकारी रॉल्फ फिंच, और राजदूत होगा तो कैप्टन हॉकिंस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है?
1799। बिल्कुल सही। गिरिजा युद्ध कब होता है? गिरिजा का युद्ध 1740 में होता। स्वतंत्र बंगाल का फाउंडर? मुर्शीद कुली खां। कुली खां होता है। लाख बख्श किसका उपनाम है? बताओगे हातिम द्वितीय किसका उपाधि है? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ में दफनाया गया? लाहौर। लाहौर में दफनाया गया। सिरदा और पेवोस प्रथा कौन चलाया? लौह रक्त नीति के लिए मशहूर था। सिरदा और पेबोस, सिरदा का अर्थ होता सिर झुकाकर सुल्तान को नमस्कार करना, और पेबोस का अर्थ होता सुल्तान के पैरों को चूमना। तुर्कान चिहलगानी का विघटन किसने किया? बलबाज। और स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश स्थापना किया था। किम्बरले हीरा खान कहाँ में है? किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में। बताएंगे आप लोग, दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले हीरा की खान दक्षिण अफ्रीका में है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? बताओगे आप लोग, रसिया है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री का नाम है रसिया। तसोकर झील कहाँ में है? लद्दाख। लद्दाख में। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल? हॉकी। चाइना का राष्ट्रीय खेल? टेबल टेनिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यह करीब ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 1987 में होता। मॉन्ट्रियल 1987 में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि ओजोन परत को बचाने के लिए होता। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता। संबंध बताइए। जलवायु परिवर्तन को रोकने से है, वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने से है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां में हुआ? प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब और कहां में हुआ? 1972। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत किस देश में? बताओगे? इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत किस देश में? तंजानिया में।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। और सुषुप्त कौन सा है? नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त है, सोया हुआ अवस्था में है, कभी भी कभी जग सकता है। नीति सार पुस्तक कौन लिखा है? नीति सार पुस्तक कौन लिखा बताओ आप लोग? कामंदक लिखा। बंगाल का पहला गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? भारत का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय?